बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ हरी तोरियाँ, सब्ज़ तोरियाँ जिसे कहते हैं, मैं वो बना रही हूँ। कल मैं लेके आई थी, आज तो मैं नहीं लाई। आज सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल में होते हैं तो मेरे पास टाइम नहीं होता सब्ज़ी लाने का, तो मैं इसलिए शाम को ही ले आती हूँ। अगर मैंने सब्ज़ी बनानी होती है जिस दिन, एक दिन पहले मैं शाम को ले आती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने धो ली है अच्छे से और इसको भी छीलना है, काटना है। तोरियों को छीलना भी एक मसला होगा। तो यहाँ पर अबू बकर ने देखे अपने साइकिलों और घोड़ों की जो है ना वो लाइन लगाई हुई है, ये देखें, ठीक है। और आज हालांकि हल्की है धूप, बादल जो हैं वो हल्के हैं, हल्के हल्के से बादल हैं, धूप हल्की है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी जो है ना मैंने सफाई भी नहीं की और अबू बकर जो हैं वो मेरे पास बैठे हुए हैं। सब्ज़ी मैंने बनानी है और अबू बकर जो हैं वो मेरे पास बैठे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं, बल काम पर चले गए हैं। तो यहाँ पर जो है घर में मैं और अबू बकर हैं इस वक्त। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत हो जाए। वीडियो कम डाली जा रही है मुझसे, वीडियो नहीं मैं इतनी अपलोड कर पा रही हूँ। और अभी जो है वो मैंने कोई सफाई वगैरह नहीं की है, अभी सिर्फ जो है नाश्ता इससे फारग हुए हैं। और मैंने सोचा तोरियाँ बना ली, सब्ज़ी बनाकर पहले चढ़ा देती हूँ, उसके बाद बर्तन धोऊँगी और फिर सफाई शुरू करूँगी। आटा भी गूंदना है अभी और कपड़े भी इस्त्री करने वाले हैं। कपड़े मैंने धोए थे जब, तो इस्त्री करके मैं रखती हूँ, लेकिन मसरूफियात ऐसी थी, एडमिशन की मसरूफियात आ रही हैं। अबू बकर आतिफ के लिए जो है माइग्रेशन करवाना चाह रहे हैं उसका स्कूल से, तो जो है वो अभी उसके सिलसिले में स्कूल आना जाना हो रहा है हमारा। तो हम जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, काफ़ी लेट हो जाता है दोपहर का खाना भी। तो मैंने सोचा आज आपसे वैसे ही थोड़ी सी गपशप कर ली जाए कि चैनल के हवाले से, कि मेरे बाद आने वाले सब चैनल जिनको मैंने सपोर्ट किया, मैंने सब्सक्राइब किया, उनकी वीडियोस लाइक की, शेयर की, कमेंट की, वो सब माशाल्लाह माशाल्लाह वो है मोनेटाइज हो गए हैं। और सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद, मैं बहुत खुश हुई। अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें, जिन लोगों को मैं सपोर्ट करती हूँ आप भी मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। मैंने भी बहुत मेहनत की हुई है, तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि कामयाब हों हम लोग भी। और मेरा भी हक़ बनता है कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने भी आप लोगों को सपोर्ट किया। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई बदला चाहती हूँ, मैंने नेकी के तहत सपोर्ट किया सबको। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें और इसी तरह जो है मैं भी कामयाब हो जाऊँ, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। 2 साल हो गए हैं, कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाती, कुछ मेरा कैमरा का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं ये सॉल्व नहीं कर सकती, प्रॉब्लम कैमरे का और लाइट का प्रॉब्लम जो है। तो ये रिकॉर्ड इसका जो है रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। सब लोग मुझे कहते हैं वीडियोज़ में कि आपके कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तो आप लोग समझने की कोशिश करें कि जब मैंने चैनल बनाया है तो मैंने किसी वजह से ही बनाया होगा, किसी मजबूरी के तहत ही बनाया होगा, जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं मेरा चैनल मोनेटाइज हो, उसके बाद यकीनन सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, कैमरे का रिज़ल्ट भी अच्छा हो जाएगा, लाइट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और भी जो मसले मसाइल हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे वीडियो भी सही तरीके से अपलोड नहीं करनी आती है, तो बस काम चल रहा है। और अल्लाह ताला जो है जिस तरह अल्लाह ताला ने सबको कामयाब किया है, इस तरह मुझे भी कर दे, मैं ये चाहूँगी। और आप लोगों ने साथ देना है तो प्लीज़ साथ दें। ये देखें अंदर से भी अभी सफाई मैंने नहीं किया, लेकिन साफ़ ही लगता है, लेकिन मिट्टी बहुत आ जाती है घर, क्योंकि इस साइड से भी खुला है, यहाँ पर दरवाज़ा है, देखिए यहाँ पर जहाँ पे कूलर रखा हुआ है, जब आंधी हवा चलती है तो यहाँ से सारी मिट्टी अंदर आती है। देखने में साफ़ लगता है लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं रोज़ाना धोती हूँ फर्श को और सारी जो है ना वो सफाई रोज़ होती है डेली। तो अभी भी मैंने सफाई करनी है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ सारा घर, देखें सारा ओपन है। यहाँ ड्राइंग रूम में भी एक खिड़की है और यहाँ लाउंज में भी खिड़की है और कमरे के इस तरफ तो दरवाज़ा है और इस साइड पे भी खिड़की है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। और इस वाले कमरे में भी एक खिड़की है, इस कमरे में भी खिड़की मौजूद है, इसको तो मैंने स्टोर बनाया हुआ है। और यहाँ पर किचन है, किचन के अंदर भी एक खिड़की है और लाउंज में जो है वो जो ड्राइंग रूम है खिड़की के साथ उसका दरवाज़ा है और यहाँ पर भी दरवाज़ा है। तो पूरा घर हमारा ओपन है जिसकी वजह से मिट्टी से भर जाता है जब भी आंधी आती है। और तो बस इतनी सी मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ वीडियो को फुल वॉच किया करें, मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है।
और बाकी नए जो हैं चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इसके अलावा जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, मेरी तरफ से उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।